भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मोटर चालक यूनियन ने लॉकडाउन से प्रभावित मोटर चालकों को बीमा गुजारा भत्ता मुआवजा की मांग। मोटर चालक यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक आवश्यक बैठक बाबा पोखर के भिंडा पर हुई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम ने की। सचिव भूषण सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव के लिए चालकों के बीच जागरूकता के साथ कहा कि लॉकडाउन से मोटर चालक ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मोटर चालक देश के सभी प्रकार के विकट परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर सभी प्रकार के जरूरतमंद कार्य करते हैं और सरकार उनसे सहयोग भी लेती है, पर लॉकडाउन होने के कारण चालकों के जीविका पर हमला हो चुका है, जिसके कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान मरने वाले सभी चालकों के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने, प्रभावित सभी चालकों को 15,000 गुजारा भत्ता देने, बैंक से कर्ज पर लिए विभिन्न प्रकार के वाहन का किस्त माफ करने, चालकों पर हो रहे पुलिस दमन पर रोक और सुरक्षा की गारंटी देने तथा सभी चालकों को सरकारी पैसे से 20 लाख का बीमा अविलंब करने की मांग की गई है। बिहार की मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। सर, आज जो मोटर चालक यूनियन का जो बैठक हुआ है, इस विषय पे कुछ जानकारी देंगे। कि मोटर चालक यूनियन की बैठक हम लोग को आयोजित इसलिए करना पड़ा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन महीनों से भारत में चल रहा है और मोटर चालक के प्रति बिल्कुल सरकार का बिल्कुल उदासीनता है, कोई पहलकदमी नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन अवधि में मोटर चालक से ही काम लिया गया है, चाहे वह प्रवासी मजदूर को लाने की बात हो या विधि व्यवस्था बनाए रखने में मोटर चालक का जरूरत पड़ता है तो उनसे लिया गया है। तो इस मोटर चालक यूनियन के माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से हम सरकार को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि मोटर चालक यूनियन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि लॉकडाउन अवधि में मोटर चालक का भुखमरी स्थिति बन चुका है, बाल बच्चा के मर रहा है, बेरोजगार बन गए हैं, कहीं से कोई उसके पास में स्रोत नहीं है, न काम करने न दूसरा काम कर सकते हैं, इसलिए उनके गुजारा भत्ता के लिए 15,000 रुपया महीना मुझे दिया जाए और लॉकडाउन अवधि में कोरोना के प्रभाव से या एक्सीडेंट से या बीमार से मृत्यु हुआ है उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तमाम चालक को 25 लाख का इंश्योरेंस किया जाए